तो ये क्या हो रहा है? तो इसीलिए हम आए हैं और हमें मालूम करना है वेयर इज ही, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. कल उसने स्वयं भी मिस किया है एंड दैट विल समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगिव एनीवन फॉर बिकॉज दिस इज नॉट टू बी फॉरगिवन. आप बता, अगर इन्फॉर्मेशन होती तो मैं अभी चले जाती हूँ बता दी. किस कैसे पता है? हाउ वुड वी नो वेयर ही इज? हमारे से कैसे कोई राबता करेगा? लाइक आई सेड, मेरे फादर का सोयम था कल, ओके, जो इस हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट रह चुके 7 दफ़ा, वो उसमें नहीं आ सके. ये चीज़ें तो एक ही दफ़ा होती है ना जी, आपको बार बार तो नहीं मौका मिलता ये करने का. और इन हालात में ऐसा हुआ है. आई वुड लाइक टू सी दैट लाइब्रेरी, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बाकी इस हाई कोर्ट को डोनेट की और उनका नाम है. मेरी बेटी तो पहली दफ़ा आई है और मैंने उसको बताया कि तुम्हारे नाना ने, वो लेजेंड है इधर, उनके जैसा लॉयर नहीं नज़र आता. इज वाई नो वट माई फादर हैज सर्व. He was an amazing attorney. उन्होंने अपनी दोनों बुक्स मुझे अपने साइन के साथ दी. उनके पास उन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखी हैं. ये बताएं कि वो पुलिस से आप लोगों ने रابطہ नहीं किया कि अली कहां पर है? कोई आप हर इदारे से रابطہ किया है, हर एक से फोन उठाए ना. जिस मेरे फादर बच्चे ये देख रहे हैं, यहाँ के बच्चे, जो यहाँ की नई नस्ल जो इस मुल्क को आगे लेके चलेगी, ये बच्चे ये देख रहे हैं कि मेरे फादर जिसने दिन रात हमको छोड़ के इस मुल्क की खिदमत की, उन लोगों को धक्के मार के अरेस्ट करके बार्स के पीछे रखा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है. व्हाट आर दे सीइंग? व्हाट आर वी टीचिंग द यंगर जनरेशन इन दिस कंट्री? इनकी भी आवाज़ उठ गई, इवन दे नो. ठीक बेटा, आप कुछ बताएंगे आपके फादर के हवाले से? कोई पता है what happened, what they've done is absolutely wrong. For the youth generation, we all have stood up. Everyone that I have known in this, in Pakistan, has stood up for my father, for this country, because we are fed up. We don't want to experience something like this. We don't want our childhood to be known that our country has become into a civil war. It is, we don't want to experience these type of things. We just, we're fed up.